गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप सब लोग अच्छे होंगे तो गाइस आज है मॉर्निंग और आज से जो है मेरी अच्छी खासी ग्रिलिंग शुरू है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बचती हूँ खाना वाना बनाने के लिए लेकिन अब क्या है मुझे रेगुलर खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो मॉम है ना उसका उनका नी जो है ना फ्रैक्चर हो गया मतलब वो जो कोहनी होती है ना वो फ्रैक्चर हो गया है तो चलते हैं गोभी की सब्जी बनाते हैं आज तो गाइज़ ये मम्मी के स्टाइल में मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ थोड़ी सी रेसिपी जो है मैंने मम्मी से पूछ ली है ऑलरेडी तो मम्मी नहा रही थी तो उन्होंने तो ऊपर ऊपर से बताया बट आई जस्ट ट्राई माई ओन तो हरा धनिया जो है ना वो ख़त्म हो गया था तो मैंने नीचे से निकाला और उसको उसमें डालने लगी और ए एक्चुअली क्या होता है ना एक हाथ से कैमरा पकड़ के रखो और एक हाथ से डालो तो वो ठीक से होता नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था बट फाइनली जो है ना उसमें से निकल ही गया और मैंने उसमें से पलट दिया अब आ, क्या है ना कढ़ाई को लेके ना सबसे पहले तो उसके अंदर तेल डालना है और यार मैं तो देखो अंदाजे से तेल डालती हूँ आपको जितना तेल तेल सही लगता है आप उस हिसाब से डालते <laughs> तो रहो मुझ कह नहीं सकते ना तो उसको एक सिर्फ एक थप्पड़ मारा तो आजकल के बच्चे मतलब सच में आपने मारा पीटा नहीं है क्या उसे बचपन में अच्छा इसीलिए तो हमें तो देखो हम तो पिट पिट के ही बड़े हुए हैं तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता चलो ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है तो गाइज़ ये थी हमारी अनीता आंटी एक्चुअली वो कुछ अपने बेटे के बारे में बता रही थी उनका बेटा आज सुबह जो है ना रेल में कट के सुसाइड करने के लिए चला गया था जस्ट बिकॉज उसके फादर ने उसके थप्पड़ मार दिया था तो आजकल के बच्चे बाप रे <laughs> तो यही सब बातें हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा रिकॉर्ड कर लो तो कुछ नहीं बस ये तेल गर्म हो गया था फिर इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था इसमें मैंने अपने हिसाब से जीरा और मिर्च मिर्च डाल दी वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि अच्छी सब्जी बनेगी बट ऑनेस्टली सच बताऊँ एंड ऑफ द डे ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी मतलब एग्जैक्टली exactly वैसी बनी जैसे मम्मी हमेशा बनाती है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं भी वैसा ही बनाऊँगी अब इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से टमाटर है ना तो टमाटर को थोड़ा सा भूनने मतलब थोड़ा सा होता है ना सोटे वोटे हो जाए पूरा तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको एक्चुअली uh, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जब पूरा एक एक स्टेप दिखाओ ना क्योंकि वो कुकिंग के लिए आप दिखा रहे हो तब तो ठीक है अब ऐसे घर के उसके लिए तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो मैं चाह नहीं दी थी कि इतना वीडियो लंबा रहे लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो ही गया वो तो गाइज तो उसके बाद मैंने जब ये थोड़ा सा सॉटे वग़ैरह हो गया ठीक से तो मैंने इसके अंदर ये जो है गोभी और वो जो आलू काट के रखे हुए थे ना पूरा पलट दिए थोड़े से निकल भी गए क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरे में पकड़ रखा था तो दूसरे साइड में थोड़ा सा गिर गया था पर मैंने उसके बाद निकाल के उसको खुद ही डाल दिया था तो उसमें मैंने डाला है धनिया मिर्च और वो क्या बोलते हैं यार नमक है ना ये सब डाल के मैंने उसको पूरा अच्छे से सॉरी अरे नमक और ये सब मैंने पहले ही डाल दिया था यार कितनी ज़्यादा हूँ मैं ओके तो अब इसको भूनना है भूल गई यार देखो मैंने खुद बनाई है फिर भी मैं भूल गई कि मैंने क्या डाला था <laughs> तो इसको बस करके ना इसमें पानी वानी डालना नहीं है इसको ढक के रख देना है और यार पता है हमारी ना सामने एक आंटी रहती है वो ना बहुत टेस्टी पर वो बनाती मतलब अगर आपको कुछ खाना खाना हो ना तो उनको बस आधे घंटे घंटे पहले बोल दो वो उतना टेस्टी बना के भेजती हैं और उन्होंने आज हमें पराठे बना के भेजे आलू आलू प्याज के जो पराठे होते हैं ना वो अरे उतने स्वाद पराठे थे यार मज़ा ही आ गया खा के मुझे लगा कि यार मतलब ऐसा लग जा बिल्कुल रेस्टोरेंट से मंगाए हो सो इट्स लाइक दिस तो ये हमारी जो गोभी है वो पके जा रही है थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद पक गई होगी पर मैंने फिर इतना वो नहीं किया जल्दी से निकालने की कोशिश नहीं करी मैंने कहा चलो पक जाए तो ही करेंगे ये है चाय और ये है गाइस मेरे कैट्स ठीक है जो कि नीचे वाला पोर्शन में रह रहे हैं वो वाले कैट्स हैं और मैं सोच रही थी पहले कि मैं मतलब वॉइस ओवर करूं बट तो मैंने कहा थोड़ा नेचुरल वॉइस ही सही रहती है तो बस इन्होंने थोड़ा सा अपनी जैसे मतलब शैतानी मितानी जैसे कहते मुझे देख के जब मैं वीडियो बनाने जाती तब तो ऐसे फट के भाग जाते हैं मेरे को ये नहीं समझ आता कि इनका क्या चक्कर है ठीक है ना मतलब वीडियो बनानी नहीं दी इन्होंने आज तक मेरे को ढंग की ठीक है तो ये माइलो है और ये सबसे सीधा है और ये है हमारी टोनो जो कि नीचे से हमने उसको ऊपर ले आए हैं तो गाइज़ ये जो हमारी गोभी है फाइनली बनके के पक्के तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल मम्मी स्टाइल में बनी है ये और आप भी अगर इस रेसिपी से जो बनाओगे ना जैसे मैंने आपको बताया है आप देखना ये बहुत टेस्टी बनेगी तो मुझे खुद उम्मीद नहीं हो रही थी कि मेरे से अच्छी बन गई ऑनेस्टली क्योंकि मेरे से अच्छा बनता नहीं है वैसे ना नाइन्टी परसेंट नाइन परसेंट तो मैंने थोड़ा धनिया वनिया जो भी था वो छिड़क दिया उसके ऊपर ताकि थोड़ा गार्निशिंग करके ना एक धनिए से ना एक अलग ही लुक आता है यार सब्जी ना खाने का मन कर जाता है तो इट्स लाइक दिस और इसके बाद ये था कि हमें ना मेरे को इसको पैक करना था क्योंकि मम्मी पापा वहाँ जा रहे थे ना देहरादून ऑपरेशन के लिए मम्मी के तो मेरे को पैक करना था तो मैं इसको उसमें डाल के डिस्पोजेबल में डाल के पैक कर रही थी लेकिन यार एक हाथ से ना निकाला ही नहीं जा रहा था कितनी भी कोशिश कर रही थी निकाला नहीं जा रहा था मुझसे तो मैं तो सोच रही थी मैंने कहा यार मैं कैमरा बंद ही करती हूँ क्योंकि मेरे से डाला नहीं जाएगा पता चला ग्बा वब्बा गिरिया नीचे और नुकसान हो जाएगा तो so, गाइज़ ये मैंने सब्जी सारी डिस्पोजेबल्स में पैक कर दी है, है ना इसमें पराठे पैक करे हैं एक्चुअली मैंने आठ पराठे भी बनाए थे अलग से मतलब वो आंटी वाले तो अलग थे वो तो खा लिए थे बाकी भी नए बना के दिए थे मैंने कहा क्योंकि वो लोग नाइट स्टे करने वाले हैं वहाँ पे तो पूरा ये डिस्पोजेबल और प्लेट्स वगैरह रख के मैंने उसके अंदर पैक करके रख दिया तो गाइस ये था आज का ब्लॉग ठीक है बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं मैंने बनाने की कोशिश करी थी लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बन गया क्योंकि खाने वाने की चीज़ें आ गई ना उसमें और क्या होता है कि फ़ूड को ना देख के ही मन कर जाता है चीज़ों को देखने का तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि अगर मैं ब्लॉग में फूडिंग का कुछ भी डाल दूँ तो नॉर्मली हमारे घर में शलजम टिंडे ये सब बनते हैं तो अब मेरे हाथ में कमान है अब मैं टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊँगी काफ़ी दिनों तक है ना हाँ, हेल्थ से क्या लेना देना यार कुछ दिन तो हेल्थ चलती है ऐसी वैसी सो इट्स लाइक दिस गाइस और अब मैं दिखाती हूँ मम्मी पापा जा रहे हैं तो ये हमारी कार तैयार है जाने के लिए देहरादून जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए और आई होप अच्छा होगा सब कुछ ठीक है मम्मी का हाथ जो भी है वो ठीक हो जाएगा जल्दी से मम्मी घर आएंगी तो गाइस ठीक है तो एंड करते हैं आज का ब्लॉग मैं नाइट का कुछ नहीं दिखा रही हूँ सिर्फ दिन दिन का दिखा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है नाइट में जब कोई है ही नहीं घर पे तो मैं ही रहूँगी तो टेक केयर बाय लव यू बाय